दो चूहों की कहानी। पहले सब्सक्राइब करें फिर सुने। शहर में रहने वाले और गांव में रहने वाले दो चूहों में गहरी मित्रता थी। वे अक्सर एक दूसरे को संदेश भेजा करते और एक दूसरे का हाल जाना करते थे। एक बार गांव में रहने वाले चूहे ने शहरी चूहे को गांव आने का निमंत्रण भेजा। शहरी चूहे ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सप्ताहांत का समय नियत हुआ और गाँव का चूहा अपने शहरी मित्र के आने की प्रतीक्षा करने लगा। वो उससे ढेर सारी बातें करना चाहता था। उसे गाँव के खेत खालिहानों की सैर करवाना चाहता था। वो अपने मित्र की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो उसके लिए ढेर सारे फल और अनाज इकट्ठा करने में लगा हुआ था। आखिर वो दिन भी आया जब शहरी चूहा गांव पहुंचा। दोनों मित्र एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। बहुत देर तक वे बातें करते रहे और एक दूसरे को अपना हाल बताते रहे। फिर दोनों भोजन के लिए बैठे। भोजन में गाँव के चूहे ने अनाज और फल परोसे, जिसे खाकर दोनों ने आराम किया। शाम को गाँव का चूहा अपने शहरी मित्र को गाँव दिखाने ले गया। शहरी चूहा वहाँ के खेत खलिहान देखकर आनंद से भर उठा। वहाँ की शुद्ध हवा में श्वास लेकर उसका मन प्रफुल्लित हो गया। गांव का चूहा बोला, गांव का वातावरण और वायु शुद्ध है, जो तुम्हें शहर में शायद ही नसीब होती होगी मित्र। शहरी चूहा शहर की समस्याएं जानता था। वो वर्षों से वहाँ रहा था, लेकिन गांव के चूहे मित्र की ये बात उसे बुरी लग गई। हालांकि वो कुछ बोला नहीं। गांव का चूहा गांव की प्रशंसा में लगा हुआ था। वो उसे जंगलों में ले गया और बोला, मित्र, ऐसे प्राकृतिक और मनोरम दृश्य तुम्हें शहर में देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए आज इस दृश्यों का आनंद ले लो। शहरी चूहे को ये बात भी चुभी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। वो सोचने लगा कि अब अपने इस ग्रामीण मित्र को शहरी चकाचौंध का जीवन दिखाना पड़ेगा, तब इसे समझ आएगा कि शहर कितना शानदार होता है। रात होने पर दोनों चूहे घर वापस आ गए। भोजन का समय आया तो गांव के चूहे ने फिर से शहरी चूहे को फल और अनाज परोसा। शहरी भोजन के आदि चूहे को ये भोजन गले नहीं उतर रहा था। वो बोला, मित्र, क्या तुम हर समय फल और अनाज खाते हो? शहर आओ, मैं तुम्हें एक से बढ़कर एक पकवान खिलाऊंगा, साथ ही वहाँ का शानदार जीवन भी दिखाऊंगा। कल ही तुम मेरे साथ चलो। गांव के चूहे में शहर देखने की लालसा जाग गई। वो फौरन तैयार हो गया। रात नरम घास पर सोने के बाद अगली सुबह उठकर दोनों शहर के लिए निकल गए। शहरी चूहा अपने ग्रामीण मित्र को उस घर में ले गया जहां वो रहा करता था। वो किसी अमीर आदमी का घर था, उसमें ही शहरी चूहे का बिल था। उतना बड़ा और सजा धजा घर देखकर गांव के चूहे की आंखें चौंधिया गई। खाने की मेज देखी तो उसका मुंह खुला रह गया। एक से बढ़कर एक पकवान उस पर सजे हुए थे। शहरी चूहे ने उसे भोजन प्रारंभ करने को कहा। खुशी खुशी गांव का चूहा भोजन करने लगा। सबसे पहले उसके प्लेट में से पनीर का टुकड़ा उठाया। उसने अभी पनीर कुतरा ही था कि शहरी चूहा चिल्लाया, भागो मित्र, बिल्ली आ रही है, जल्दी से अलमारी में छुप जाओ, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पनीर छोड़ गांव का चूहा शहरी चूहे के साथ अलमारी की ओर भागा। कुछ देर तक दोनों अलमारी में छुपे रहे। बिल्ली के जाने के बाद दोनों वहां से निकले। शहरी चूहा फिर से अपने मित्र गांव के चूहे को भोजन के लिए ले गया, लेकिन डर के मारे उसकी भूख मर गई थी। शहरी चूहा उसकी हालत देख बोला, मित्र, डरने की कोई बात नहीं है, बिल्ली चली गई है, वैसे ये शहरी जीवन का हिस्सा है, यहाँ यूं ही जीवन जीते हैं। लो केक खाकर देखो। गांव के चूहे ने केक का टुकड़ा ले लिया, लेकिन इसके पहले वो उसे मुंह में डाल पाता शहरी चूहा चिल्लाया, भागो मित्र, कुत्ता आ गया है। दोनों फिर से भागकर अलमारी में जा छुपे। शहरी चूहे ने बताया कि उस घर के मालिक ने एक कुत्ता पाला हुआ है जो बड़ा भयानक है, उससे बचकर रहना पड़ता है। गांव का चूहा बहुत ज्यादा डर गया था। अलमारी से बाहर आने के बाद वो एक क्षण भी वहां नहीं रुका। वो बोला, मित्र, मुझे जाने दो, ये शहरी जीवन मुझे तो रास नहीं आता, यहाँ तो हर समय सिर पर खतरा मंडराता रहता है, इससे तो गांव ही भला। फिर वो गांव की ओर चल पड़ा और गांव पहुंचकर ही दम लिया। वहां पहुंचकर वो सोचने लगा, जगह वही अच्छी है जहां जीवन सुरक्षित है। शिक्षा, अमन चैन का साधारण जीवन ऐसे ऐशो आराम के जीवन से बेहतर है जो खतरों से भरा हुआ है।